एमए फाइनल पेपर 10th C सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने धर्मनिरपेक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। आज हम लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने लौकिकीकरण के प्रभाव एवं उसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहले है पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा में परिवर्तन। हिंदू धर्म में पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा का एक विशेष महत्व है, किंतु धर्म निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप इस धारणा में परिवर्तन हुआ है और उसकी व्यापकता घटी है। जाति, व्यवसाय, विवाह, खानपान एवं पूजा पाठ संबंधी धारणाओं में धर्म का प्रभाव शिथिल हुआ है और अपवित्रता संबंधी कट्टरता कम हुई है। अब अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, विभिन्न जातियों के व्यक्ति साथ साथ यात्रा करने लगे और साथ साथ खानपान भी करने लगे हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण पवित्रता की परंपरात्मक धारणा का स्थान आज स्वास्थ्य के नियम लेते जा रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप हम समाज में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को देख सकते हैं। दूसरा है जीवन चक्र और संस्कार में परिवर्तन। हिंदुओं को अपने जीवन काल में अनेक दैनिक जीवन में अनेक धार्मिक कर्मकांड एवं संस्कार संपन्न करने होते थे। लौकिकीकरण के प्रभाव के कारण इन संस्थाओं का संक्षिप्तीकरण हुआ है। कुछ संस्कारों को तो एक साथ मिला दिया गया, जैसे विवाह संस्कार के प्रारंभ में उपनयन संस्कार और बाद में गर्भाधान संस्कार साथ साथ ही संपन्न करा दिए जाते हैं। अब दैनिक कर्मकांड जैसे संध्या, स्नान, पूजा, आहुति, वेद पाठ एवं ईश्वर पूजा आदि में भी कम समय दिया जाने लगा। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए लोगों के पास समय का अभाव हो गया। स्त्री शिक्षा के प्रसार के कारण धर्म के प्रति स्त्रियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अब वे पूजा पाठ संबंधी नियमों के प्रति अधिक कट्टर नहीं रही हैं। फिर है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। लौकिकीकरण के कारण भारतीय समाज की संरचना में भी परिवर्तन हुआ है। भारतीय समाज की संरचना के प्रमुख तत्व हैं जाति, ग्रामीण समुदाय और परिवार। पहले हम देखेंगे जाति संरचना पर प्रभाव। पश्चिमीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों, नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण परंपरागत जाति व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं और उसमें धर्मनिरपेक्षता के तत्वों का प्रवेश हुआ है। जातिगत व्यवसायों की समाप्ति हो रही हुई है और अंतरजातीय विवाह होने लगे, नवीन व्यवसाय पनपने लगे जिनमें सभी जातियों के व्यक्ति कार्य करने लगे हैं। साथ ही खानपान संबंधी जातीय निषेधों में भी शिथिलता आई है। विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों के कारण भी निम्न जातियों की स्थिति में सुधार हुआ। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव। लौकिकीकरण के कारण ग्रामीण समुदायों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर दूसरे महायुद्ध के बाद से ही ग्रामीण समुदायों में यातायात एवं संचार के साधनों, स्वायत्त शासन, अस्पृश्यता उन्मूलन, शिक्षा, सामुदायिक विकास योजना
के कारण गांव वालों की आकांक्षाओं एवं धारणाओं में परिवर्तन हुआ। वे अब शिक्षा प्राप्त करके अच्छा जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखने लगे और इस ओर शिक्षा की ओर उन्होंने विशेष ध्यान देना प्रारंभ किया। फिर है परिवार का प्रभाव, परिवार पर प्रभाव। लौकिकीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव परिवार पर भी पड़ा है। प्राचीन समय में भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था का अधिक प्रचलन था, जिसमें वयोवृद्ध व्यक्ति की स्थिति सर्वोच्च थी और उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। किंतु वर्तमान में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ रही है। परिवार में निकट के रिश्तेदारों के अतिरिक्त अन्य रिश्तेदारों का महत्व कम हुआ है और वयोवृद्ध व्यक्ति की प्रतिष्ठा या अधिकारों में भी कुछ कमी आई है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है परंपरात्मक धर्म में परिवर्तन। लौकिकीकरण ने मठों और मठाधिपतियों को भी प्रभावित किया। राज्य ने मठों के प्रबंध में हस्तक्षेप किया है और इस संदर्भ में कई नए कानून भी बनाए हैं। भूमि संबंधी अधिनियमों ने मठों की भूमि छीन ली। शिक्षित हिंदुओं में यह भावना बढ़ी है कि धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का उपयोग शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। लौकिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। परिवार, जाति, ग्रामीण समुदाय, धर्म, कर्मकांड तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक एवं मनोरंजनात्मक सभी संस्थाओं में अनेक परिवर्तन घटित हो रहे हैं और वे परिवर्तन नए आयाम ग्रहण कर रहे हैं जो वैज्ञानिक, तार्किक, मानववादी एवं बौद्धिक हैं। थैंक यू।